दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे बेंजोइक एसिड के कुछ कीनोट कन्फर्मेटरी और अदर टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द रेमेडी क्या होती है, इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। दोस्तों तो ये वीडियो में पूरा देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों बेंजोइक एसिड के बारे में अगर बात करें तो बेंजोइक एसिड का जो सबसे खास और कीनोट सिम्टम होता है वो होता है इसका स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन। जो यूरिन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होता है, इतना तेज महकता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ये इसका खास सिम्टम होता है और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन इस वजह से होता है क्योंकि यूरिक एसिड का डायथेसिस होती है। बेंजोइक एसिड की जो डायथेसिस है वही यूरिक एसिड डायथेसिस होती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसका एक बड़ा खास सिम्टम है जो कि मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग होता है यूरिन, पहला सिम्टम है। दूसरा इसका बड़ा खास सिम्टम होता है कि इसका जो पेन होता है वो होता है स्टिचिंग टीयरिंग लाइक पेन, चुभने वाला, फाड़ देने वाला, इस तरह का दर्द होता है और ये यूजुअली लेफ्ट साइड में होता है। दोस्तों बाएं तरफ शुरू होता है, बाएं तरफ से दाहिनी तरफ चला जाता है, मतलब पेन अगर बाएं तरफ से दाहिनी तरफ जाता है तो उसके लिए बेस्ट दवा है बेंजोइक एसिड। अगर उसके साथ में पेशाब में बहुत ज़्यादा बदबू है, तो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग है तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। अब इसके साथ में एक और सिम्टम पाया जाता है कि पेशेंट का गाउटी या रूमेटिक इस तरह के कंप्लेंट्स होते हैं, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, गाउटी कंप्लेंट्स हो सकते हैं। एक सिम्टम और इसका पाया जाता है कि इसके जो कंप्लेंट्स होते हैं वो अल्टरनेट करते हैं हार्ट सिम्टम के साथ में, मतलब हार्ट में कोई तकलीफ है तो वो ठीक हुई तो गाउट के सिम्टम्स आ गए, गाउट के सिम्टम चले गए तो वापस हार्ट के सिम्टम आ गए, ठीक है, तो ये अल्टरनेट करता है, ये भी इसका बड़ा खास सिम्टम है। इसके अलावा एक और सिम्टम इसमें पाया जाता है कि इसमें नोट्स बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, नोट्स बनने की संभावना, मतलब जो गांठें होती हैं वो बनने की संभावना होती है अलग अलग जगह पे, जैसे कभी कभी हाथों में बन जाता है, पैर में या किसी और जगह पे हार्ड गांठें बन जाती हैं, तो उसकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी होती है, बनने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों तो ये सिम्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बेंजोइक एसिड के साथ में। दोस्तों बेंजोइक एसिड के यूरिन का जो कलर होता है दोस्तों कि वो हाई कलर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, साथ में जैसा कि मैंने बताया कि ऑफेंसिव होता है। इसके साथ में नोट्स बनने की प्रोबेबिलिटी होती है वो गाउटी नोट्स, जो कि आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ जॉइंट्स में जो नोट्स बन जाते हैं उसकी संभावना ज़्यादा होती है, और जो पेन होता है वो अल्टरनेट होता है हार्ट सिम्टम के साथ साथ में गाउटी सिम्टम्स के साथ साथ में। दोस्तों हार्ट और गाउटी सिम्टम अल्टरनेट करते हैं पेन के मामले में। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज बेंजोइक एसिड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ताकि वो लोग इससे फ़ायदा ले सकें। फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।